भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। राजस्थान में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उफान पर फिर से आ सकते हैं नदी नाले, उसके बाद राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मानसून पड़ेगा कमजोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो उफान पर फिर से एक बार आ सकते हैं नदी नाले, उसके बाद धीरे धीरे अधिकतर इलाकों में मानसून कमजोर पड़ने लगेगा। तो अगले 48 घंटे के लिए 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और उसके बाद राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मानसून कमजोर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि 24 जून को मानसून एक्टिव हो गया था, उसके बाद बारिश और राहत मिली, गर्मी से और उमस से राहत मिली लोगों को, आमजन को, लेकिन अब उसके बाद फिर से अब अलर्ट देखिए जारी किया गया है। 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उफान पर फिर से आ सकते हैं नदी नाले, लेकिन हालांकि मौसम काफी सुहावना हो गया है, पर्यटक पर्यटन स्थल पर घूमने जा रहे हैं, घूमने को निकल रहे हैं, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उदयपुर से लाइव हमारे सहयोगी धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, उदयपुर का क्या कुछ माहौल है? देखो, लेक सिटी के अंदर 25 जून से जो है मानसून दस्तक दे चुका है। वहीं बीती रात की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर उदयपुर के अंदर 13 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। 25 जून से अब तक की अगर बात की जाए तो 106 mm जो है वो बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी जो है वो 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की जो है वो बताई जा रही है। वहीं इस समय मैं उदयपुर में मौजूद हूँ। मैं अब दिखाऊंगा कि मौसम अगर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बादल जो है वो छाए हुए हैं आसमान के अंदर, और यहाँ पर लगातार जो है उदयपुर शहर के अंदर अगर पिछोला की बात की जाए तो पिछोला के अंदर विगत 24 घंटे के अंदर 7 mm जो है 7 इंच पानी जो है वो यहाँ पे बढ़त हुई है। वहीं फतेह सागर की अगर बात की जाए तो फतेह सागर के अंदर 5 इंच की बढ़त जो है वो देखी गई है। वहीं उदय सागर जो है वो 6 इंच के बाद यहाँ पर छलक जाएगा। वहीं मदार की अगर बात की जाए तो 2.5 फीट जो है वो मदार अभी यहाँ पर खाली है। लगातार जो है वो विगत 24 घंटे से बारिश का दौर जो है वो लगातार रुक रुक कर जो जारी है। कल रात की अगर बात की जाए तो मूसलाधार बारिश जो है वो यहाँ पर उदयपुर शहर के अंदर देखी गई थी। 25 जून के बाद जो है उमस से लोगों ने यहाँ पर राहत ली। वही ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो नदी नालों के अंदर जो पानी का आवक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में लगातार जो है रिमझिम बारिश का दौर है विगत 5 दिन से जारी है। धीरज, बिल्कुल, देखिए क्योंकि आप देखिए उदयपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और लगातार जब बारिश मानसून जब आता है तो जलभराव हो जाता है सड़कों पर और पोल भी खुलती नजर आती है। तो क्या उदयपुर में सड़कें भी जलमग्न हो रही हैं, जहां पर खड्डे हैं और हादसे भी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से? वापस सवाल अपना दोहराइएगा जी। धीरज, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से देखिए आप उदयपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो जल भराव की समस्याएं भी सामने आती हैं, उसकी वजह से हादसे भी सामने होते हैं, उदयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है? हादसों की और बात की जाए और जल भराव की अगर बात की जाए तो देलीगेट एक ऐसा मुख्य चौराहा है जहां पर लगातार देखा जाता है कि बारिश आने के बाद कुछ ही समय के अंदर जो है वो यहां पर हल्की सी बारिश के अंदर जो है वो जाम की स्थिति हो जाती है, जगह जगह जाम लग जाता है। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कई देर तक जो जाम में यात्री है वो यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दिए थे। लगातार उदयपुर प्रशासन द्वारा दावा जरूर किया जाता है, लेकिन दावा करने के बाद भी अगर नगर निगम की पोल है जो खुलकर सामने आई थी कि अगर आधा घंटा तेज मूसलाधार बारिश होने से पूरी सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उदयपुर के अंदर स्मार्ट सिटी का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर आज भी जल भराव जो है वो कम बारिश के अंदर ही देखने को मिलता है, जिससे जनता को है वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।